मीडिया के आज के दौर में एक धारणा ये भी है कि ऐसे प्लेटफॉर्म समय की बर्बादी है, जहां हालांकि इसी सोशल मीडिया ने उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मेडिकल की तैयारी में जुटे एक उम्मीदवार की जान बचा ली। लखनऊ में यूपी पुलिस के सोशल मीडिया विंग को दरअसल फेसबुक से एक SOS अलर्ट संदेश मिला। इसके बाद पुलिस हरकत में आई और जहर खा चुके युवक को मौके पर पहुंचकर अस्पताल में भर्ती कराया, इससे उसकी जान बच गई। युवक पिछले कुछ सालों से नीट की तैयारी में जुटा है और सफलता हासिल नहीं कर पाने की वजह से हताश था। जी हाँ, आपको बता दें, यूपी पुलिस और सोशल मीडिया कंपनी फेसबुक के बीच पुलिस को समय पर सतर्क करने और आत्महत्या के मामलों को रोकने के लिए एक समझौता भी पहले ही किया गया था। इसी के मद्देनजर फेसबुक की ओर से ये SOS आया था। इस समझौते में फेसबुक द्वारा पुलिस को रियल टाइम अलर्ट की बात कही गई है, खासकर ऐसे मौके पर जब कोई व्यक्ति आत्महत्या के इरादे से सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट करता है। ऐसे में सोशल मीडिया कंपनी पुलिस नियंत्रण कक्ष को तत्काल अलर्ट भेजती है। अतिरिक्त महानिदेशक प्रशांत कुमार ने बताया कि SOS अलर्ट के बाद सूचना तुरंत लखनऊ पुलिस को भेजी गई और मामले पर काम करने के लिए कहा गया। हमने सभी पुलिस कर्मियों को आत्महत्या से संबंधित सोशल मीडिया पोस्ट पर तुरंत एक्शन लेने और ऐसी पोस्ट करने वाले लोगों के जीवन को बचाने का निर्देश दिया है। फेसबुक ने हमारे साथ भागीदारी की है ताकि हम ऐसे मामलों में तुरंत एक्शन ले सकें। एडिशनल CP चिरंजीव नाथ सिंह ने बताया कि युवक ने कहा कि उसने NEET परीक्षा को क्रैक करने में असफलता होने की वजह से हुए तनाव के बाद ऐसा कदम उठाया। हमने उसे सलाह दी कि आजीवन का अंत नहीं है। हमने उसे पुलिस मोबाइल नंबर भी दिया है और उससे कहा है कि जब भी समस्या हो तो बेझिझक फ़ोन करें। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।